वो नहीं, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए लड़ रहा हूँ। आज मुझे रिवाल्वर दिखा रहे हैं, कल मेरे जो समर्थक है बेचारे, मेरा ड्राइवर भाग जा रहा है, कल उसको रिवाल्वर दिखाएंगे। चुनाव बोल रहे हैं कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम आपको देख लेंगे, अब हम यही रहेंगे। खबर 24 लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं आपसे पटेल खबर 24 लाइव चैनल से लेते हुए दिखाते हैं मड़ियाव विधानसभा की कुछ खास रिपोर्ट। बता दें, मड़ियाव विधानसभा में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह की गाड़ी रामपुर के एसओपी द्वारा रोकी गई। लेकर दिखाते हैं क्या कारण था, किस लिए गाड़ियां रोकी गई। तो बोले अगर आप मिनिस्टर होते तो आपको भी नहीं करते थे, आपको भी चलने देते थे। मतलब जिसका सत्ता रहेगा उसकी गाड़ियां चलेगी, उसकी गाड़ियां चलेगी। उसका कहने का मतलब, उनका मतलब ऊपर वो कह रहा है कि मुझे ऊपर से प्रेशर है, मुझे ऊपर से प्रेशर है, हम आपको चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे। मड़ियाओं से मेरे कुछ लोग आ रहे थे, उनको रोका जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। मैं उनको पूछा कि भाई हमारी ही गाड़ी क्यों रोक रहे हैं, हमारी दो गाड़ी परमिशन, आप हमको क्यों रोक रहे हो। तो उनका कहना है कि अगर आप सत्ता में होते, आप मिनिस्टर होते, तो हम आपको नहीं रोकते, आप यहाँ से चले जाओ। फिर मैं, आपको क्या लग रहा है किसका इसमें जो है, किसके द्वारा रुकवाया जा रहा है कुछ आप? मैं ठाकुर समाज का हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपना दल का टिकट है, आर के वर्मा उससे गठबंधन से लड़ रहे हैं, भदोही से आए हुए हैं। बस आप समझे, मेरा प्रचार उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वर्मा जी को। वो ऊपर कहते हैं कि ऊपर मिनिस्ट्री उनकी है भाई, वर्मा जी की, आर के पटेल की, उनकी मिनिस्ट्री होगी, आर के पटेल आ रहे हैं। लेकिन सर आप समाज सेवी व्यक्ति हैं, अगर सर ये जो इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, मान लीजिए किसी को आने जाने में समस्याएं आ रही हैं, तो उस पे आप क्या बोलेंगे? मेरा ऐसा कहना है कि भाई जो एम्बुलेंस की गाड़ियां जो भी गाड़ी साइड से चली जाए, मैं पुलिस थाने में अगर मैं आज अपनी बात नहीं रखूंगा तो मैं चुनाव नहीं करूंगा। उनको मैंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग का नियम है कि 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। मैंने कहा है जो मैं खर्च कर रहा हूं, अगर मैं चुनाव लड़ना ही नहीं है तो मैं खर्च कैसे करूंगा? आप मेरा बैनर रोक देंगे, मेरी गाड़ी रोक देंगे, मुझे जाने ही नहीं देंगे। तो मैं कहा मेरा जनता से कोई वो नहीं, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए लड़ रहा हूँ। आज मुझे रिवाल्वर दिखा रहे हैं, कल मेरे जो समर्थक है बेचारे, मेरा ड्राइवर भाग जा रहा है, कल उसको रिवाल्वर दिखाएंगे। चुनाव बोल रहे हैं कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम आपको देख लेंगे, अब हम यही रहेंगे, आप यही रहेंगे। ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब? धमकी कौन दे रहा है सर? धमकी कौन दे रहा है आपको? यशो, यहाँ के जो रामपुर के यशो है। अच्छा, यशो साहब। हाँ, यशो साहब मुझे धमकी दे रहे हैं, आए मेरे कार्यालय पे, आए मेरी गाड़ी रुकाए, हुटर बजा के आ रहे, उनको हुटर बजाने का अलाउ है। कार्यालय आपका रामपुर में? हाँ, रामपुर में है। उनको होटल में जाने का राइट है, उनको बीच रास्ते में मेरी गाड़ी रुका देना राइट है। तो क्या मैं वहाँ पे अपनी बात उनके थाने के सामने बैठ के अपनी बात नहीं रख सकता? मैं अपनी बात, अब मेरे पीछे जो गाड़ियाँ थी सब बोले आपकी बिना परमिशन की गाड़ी है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, मेरे गाड़ी के पीछे सब ट्रक लगे हुए हैं, क्या मेरी गाड़ी है? ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी रुका दी, उसके पीछे गाड़ी अगर रुक गई है कोई तो उड़ के तो जाएगी नहीं गाड़ी। गाड़ी रुकी तो बोले कैसी गाड़ी, अब बेचारा वहाँ से ड्राइवर पे भाग जा रहा है, पब्लिक का ड्राइवर भाग जा रहा है वहाँ से, क्या मतलब है इसका? आप मेरी गाड़ी रोड पे क्यों रुका रहे हो? आप मुझे संदेश दे देते थे कि रामपुर के एसओ ने, मैं आपका पालन करता, मैं आप नहीं आता तो आप मुझे करते, आप मेरे ऊपर एफआईआर करते, अगर मेरी कोई गलती की है तो उसका एफआईआर करते आप मेरे ऊपर, अगर मैंने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उसके लिए आप केस करते। लेकिन मुझे धमकी कैसे दे, तुमको प्रचार नहीं करने दूंगा, तुम मिनिस्टर होते तो अलग बात है, तुम प्रचार नहीं कर सकते, उनका छोड़ दो, उनको मैं नहीं जानता, प्रचार के बाद देख लूंगा मैं। तो ये क्या है, तुम इसके लिए आंदोलन कर रहे हो? क्या बोले मैम? बैठा हूँ, प्रचार के बाद देख लूंगा।